हेलो दोस्तों, आज साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का जो जीडीसी का फॉर्म आया हुआ है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी आ रहा था फॉर्म को लेकर। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अप्लाई नाउ से। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखना कि अगर आप आरपीएफ से हैं तो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। आप जिस भी जोन से, यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, उसमें आपको यस पे क्लिक करना है। आपका जो प्रेजेंट डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे टाइप करके लिखना है। मान लीजिए आप कुछ भी हो, टेक वन हो, टेक टू है, तो यहाँ पे फिल करना है। आप जिस भी कंट्रोलिंग ऑफिसर के अंडर में काम कर रहे हैं उनका नाम लिखना है, या फिर आप तो या तो SSC के अंडर में हो या सीनियर DME। जैसे कि मैं अभी डीजल सेट में हूँ तो सीनियर DME वहाँ का कंट्रोलिंग ऑफिसर है, तो मैं यहाँ पे सीनियर DME लिखूँगा। उसके बाद आएंगे आई पास वाले सेक्शन पे। आई पास सबसे मेन पॉइंट है जहाँ कई लोग कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई पास कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम लोग को या तो PF नंबर भरना है या फिर एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका HRMS ID नंबर है वो डाल देंगे। मान लीजिए ABCD। यूनिट नेम के जगह पे कुछ नहीं, बस आप जहाँ काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप डीजल सेट में काम कर रहे हैं तो डीजल सेट, और जो एड्रेस है वो डालना है, जगह का नाम। वर्कशॉप में तो वर्कशॉप डालना है, खड़गपुर वर्कशॉप, जो भी वर्कशॉप है वो वर्कशॉप का नाम डालना है। प्लस आप लास्ट में डिवीज़न का भी नाम ऐड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट जो भी आपका है वो सिलेक्ट करना है। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल सेलेक्ट करना है। डिवीज़न नेम एंड वर्कशॉप, उसमें सेलेक्ट करते ही आपके पास ढेर सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें से जो भी डिवीज़न के आप हो वो सेलेक्ट कीजिए। रेलवे PU कोड, उसमें एक ही ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट करना है आपको। प्रेजेंट ग्रेड पे विदाउट MSEP, यहाँ पे आप अगर जिस भी ग्रेड पे में, वो मान लीजिए 2400 में, तो 2400 लिखना है। फिर प्रेजेंट ग्रेड पे विदाउट MSEP CPC, इसमें भी 2400 डालना है। अगर आपका प्रमोशन 10 साल के बाद नहीं हुआ है, उससे पहले हुआ है, तो दोनों जगह सेम ही चीज़ आएगा। अगर आपका प्रमोशन 10 साल के बाद हुआ है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे फिल करेंगे, जो इनिशियल 10 साल पहले था जो आपका स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे फिल करेंगे ग्रेड पे। नहीं तो अगर उससे पहले प्रमोशन हो गया तो वो 24 दोनों में सेम डलाएगा। उसके बाद आप किस लेवल के हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। आप सेफ्टी में, नॉन सेफ्टी कैटेगरी से आते हैं वो सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जो एग्जैक्ट वहाँ का एड्रेस है, नेम है, जहाँ मान लीजिए आप खड़गपुर में काम कर रहे हैं, खड़गपुर वर्कशॉप, तो वो डालना है आप। और रेलवे स्टेशन कोड डालना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, रेलवे स्टेशन का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका कोड डालना है, या फिर स्टेशन पे जहाँ आप काम कर रहे हैं उस स्टेशन का कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है अपनी। ईमेल ID डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, एक तो कंपलसरी है, आप दो भी डाल सकते हैं, वो आपका चॉइस है। यहाँ पे फिर आधार नंबर डालना है, आपको अपना एड्रेस डालना है, जहाँ से आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। कैप्चा डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज शो होगा और आपके मोबाइल पे एक SMS जाएगा, लेकिन आप अपने सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मान लीजिए कभी कभी ये मैसेज आने में लेट होता है तो आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह नहीं मिलता है, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, एप्लीकेशन नंबर नोट करके, और आपका जो पासवर्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वो डाल के फिर से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस टाइप का पेज खुल के आएगा, जिसमें ये जो रेड रेड है वो सब आपको फिल करना है, जो ग्रीन है, जैसे आप डिटेल्स फिल करते जाएंगे वो ग्रीन होते जाएगा। तो उसी हिसाब से पहले आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, फिल एजुकेशन, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करने का। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका ये जो सारा डिटेल्स जो आपने फिल किया है वो आपको शो होगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, आपका जो जो है वो आपने क्लिक करेंगे। आप 12th फिजिक्स और मैथ से किए हैं तो यस पे क्लिक करने का, वरना नो पे करेंगे। ITI वाले भी यस पे क्लिक करेंगे, आपने किया हो डिप्लोमा किया तो यस पे करेंगे, ग्रेजुएशन आपका तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको 10th 12th ITI डिप्लोमा ये सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। उसमें से आपको
टेंथ चूज करना है, उसके बाद सारा उसका सारा डिटेल्स भरना है, मार्क्स वगैरह भरना है, परसेंटेज भरना है। उसके बाद जैसे ही आप भरेंगे नीचे में दिख रहा होगा आपको ऐड एजुकेशनल डिटेल्स, उस पर क्लिक करते ही वो चीज़ आपका ऐड हो जाएगा। फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट करेंगे, फिर से एजुकेशनल टाइप में फिर से क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन आप टेंथ इस बार क्लिक किए थे, अगले बार ट्वेल्थ चूज़ करेंगे, फिर ट्वेल्थ का सारा डिटेल्स भरने के बाद ऐड एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे नीचे ऐड होते जाएगा, आपको शो होगा। उसके बाद डिप्लोमा डालेंगे, ऐसे करते करते आप सारा आपका जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है HRMS में वो ऐड है, वो सारा आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको इस तरह जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे नीचे जो लिस्ट दिख रहा है आपको वो सारा बढ़ते जाएगा और इसमें ऐड होते जाएगा। फिर आपको अपना लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन चूज करना है, आप हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उसमें ढेर सारे ऑप्शन होंगे, उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज वहाँ एक होगा, उसके अलावा आपको कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है वो आपको बस चूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर हिंदी चूज़ करेंगे तो एक तो आपका इंग्लिश पहले से रहेगा और ये हिंदी शो करेगा। जैसे ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन का आपका सारा कुछ शो होगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम प्रेफरेंस चूज़ करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों से हैं, दोनों आपने टिक किया है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गुड्स गार्ड का देगा, ALP टेक्नीशियन का देगा, JEE का देगा, तो उसी हिसाब से आपको कौन फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, कौन सेकंड, कौन थर्ड, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको ये शो होगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम स्ट्रीम, अगर जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, जो भी आपके इसमें ढेर सारे ऑप्शन खुलेंगे उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या ALP आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आप अगर यस करना चाहते हो यस करेंगे, मैं 10+ ITI से किया हूँ तो मुझे ALP और टेक्नीशियन का प्रेफरेंस दिया है पोस्ट का। अगर आप ग्रेजुएशन डालेंगे तो वो पूछा जाएगा, वो सारे चीज़ शो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद टेक्नीशियन में भी 2-3 पोस्ट है, उसमें भी प्रेफरेंस चुनना है आपको, फर्स्ट ALP के बाद कौन सा प्रेफरेंस रखना चाहेंगे आप। प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद सबमिट करने के बाद आपको इस टाइप का पेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको अगर हर चीज़ सही है, सब कुछ सही है, तो आपको आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स सिलेक्टेड बाय मी टिक आउट करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको आगे शो होगा इस टाइप का ऑप्शन, इसमें आपको दिखाया जाएगा क्या क्या आपको अपलोड करना है, आपको आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और टेंथ का, ट्वेल्थ का, आप जो जो भी क्वालिफिकेशन ऐड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF में 100 से 300 KB के बीच में आपको PDF में अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा नेक्स्ट स्टेप में। आपको अपना इमेज, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, टेंथ का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ ITI का मार्कशीट, यहाँ ITI या ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, आपको OBC जो भी आप कैटेगरीज जनरल्स हैं तो आपको ये नहीं डालना होगा, अगर आप OBC हैं, SC ST ये सबसे, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और आपको एक रेलवे द्वारा इशू किया हुआ आइडेंटिटी कार्ड आपको एक अपलोड करना होगा। ये सारा चूज़ करने के बाद आपको फाइनल नीचे जो दिख रहा है अपलोड पे, उस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करते ही आपके पास एक अप्लीकेशन फॉर्म सारा जो जो आप फिल किए हो सारा डिटेल के साथ आ जाएगा, उसको आप PDF में सेव करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है आपको। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको जो आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर उससे साइन, उसका साइन और मोहर चाहिए होगा। उसके बाद आपको फिर से वो सारे चीज़ का फ़ोटो खींच के लॉगिन करके फिर से अपलोड करना होगा वो सारा चीज़ आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर से साइन होने के बाद। कंट्रोलिंग ऑफिसर से साइन होने के बाद जैसे ही आप उसका PDF बना के अपलोड करेंगे, इस टाइप का आपका सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपका फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा।